इंडिपेंडेंस डे पे भी आजाद नहीं हूँ मैं। इतनी पतंगे लाया हूँ अगर बारिश आ गई। लाल क्वार्टर का पेचेबाज। भाई हर्षी कट गया, हर्षी कट गई। Hey guys, welcome back to our vlogs again। कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, hopefully आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। So guys, happy Independence Day सबको। एंड अभी हम जा रहे हैं पतंग उड़ाने, थोड़ा सीन बनाया हमने एडी की छत पे। पिछली बार हमने ऑफिस की छत से उड़ाई थी, बट अभी यहाँ से नहीं उड़ाएंगे। गाड़ी में मैं, मेघना, आकृति, अनमोल जा रहे हैं। यहाँ से हर्षू को पिक करना है, जिसने मेरे डंडा दे रखा है कि भाई चलो चलो, 4 बजे का बोल रखा है। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, पतंग भी लेनी है, चटखड़ी भी लेनी है। अभी कैसे उड़ाएंगे, कैसे कुछ नहीं है इनके पास, पर पतंग उड़ानी है। उल्टी हो जाएगी। चलो अनुजी आ जाओ। लेट लतीफ इंसान है हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा। नहीं, तू सबसे अलर्ट इंसान है लड़के। हाँ, कॉपीराइट लगवा दे, हर जगह से जल रही है मुझसे आज। लगवा दे कॉपीराइट, देख रहे हो लोग ऐसे नाराज होते हैं ना, तो ये करते हैं आपके साथ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से पंगे लेते रहते हैं। ये टंग टंग की आवाज क्या आ रही है मोहित भाई? मेरी गाड़ी में तो प्लान था तुम्हारे है? नहीं नहीं, ये मैंने मांझा चटखड़ी, ये तो ही ना होता यार, ये किसी और के प्लान होंगे। प्लान से तुम्हारे भाई, मेरा कोई प्लान नहीं इसमें। ये हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता इस चीज में। मेरे को मांझे की अच्छी नॉलेज है, नहीं तू मेरे को मांझा दिलाएगा, क्योंकि मैं गाली खाना नहीं चाहता किसी से। अच्छा, गाली वाली स्कीम है। देख तो जी, मैं आउट हूँ, मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ, अब ना सबसे बढ़िया मांझा लेके आएंगे हम। हर्षू को नहीं पता घंटे की मांझे की समझ, उसे समझ में आता है। एक कांच का, अरे पांडा वांडा घंटा, पांडा तो रंग बिरंगा होता है, एक कांच का एक प्लास्टिक का। ठीक है, अगर कांच का लेके जाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ, तो कहेगा यार तू मेरे लिए प्लास्टिक वाला क्यों नहीं लाया। प्लास्टिक का लेके जाऊंगा, कहेगा तू मेरे लिए कांच वाला क्यों नहीं लाया। दोनों एक छोटी सद्दी पे चढ़वा लेंगे थोड़ा सा, एक कांच वाला भी उसके लिए। अरे किसी ने, अरे एक छोटी रील लेके उसके ऊपर एक्स्ट्रा चढ़वा लेंगे। अरे उन्हें ऑप्शन दे देना हो जाएगा ना, कि लो कौन सा वाला उड़ाओगे। सिंपल, समझ गए? थोड़ा सा वो ले लेंगे, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उनको उड़ाना पड़ेगा। फिर सेटिस्फेक्शन, हम सेटिस्फेक्शन के लिए तो ना बैठे हैं, और क्या है? ओ तेरी, हम क्या कर सकते हैं? चलो याद आ, मेरे लिए शुगर फ्री वनीला। अच्छा, हम लेने जा रहे हैं आइसक्रीम, मैं और मेघना। तुम किसके साथ जा? मुंह आया एकदम से नहीं आजा, कुछ मुद्दा कैच करके आएंगे। कितना बड़ा मास्क है मेरा, देखो बहन, इससे क्या छुपाऊं? इससे मुंह छुपाऊं, क्या छुपाऊं? जरूरत तो है। अरे तूने बीजीएम मिस कर दिया। मैंने कहा इससे क्या छुपाऊं, मुंह छुपाऊं? डाडी जो तेरी जरूरत तो है, छुपा लो मुंह। किसका बदला ले रही है तू? इंडिपेंडेंस डे पे भी आजाद नहीं हूँ मैं, आज भी आजाद नहीं। लगेंगे फ्लैशेस, धुमता ना तो वीडियो एडिट कर लेना, धुमते ना। भाई बारिश आएगी, इस बात की पतंगबाजी, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे मांझे के पतंग के। इसके भाई साहब 4 दुकानें पतंग की, इनमें से डिस्क्राइब करो किससे लो। जो ले लेते हैं खाली वाली, 5 तो मांझे की सोनी है। भाइयों से पूछ रहा हूँ कौन सा बढ़िया है, भाई बता दो कुछ। मेरी पतंग कट गई ना, मैं यहीं से पकड़ लूंगा दोनों को। कुछ है पकड़ में? ओके, वही अभी तक थोड़ा सा ही सही लग रहा है, एटली वो शार्प तो है वाला। बोलो हाँ, उसमें ये है कि अगर खींच लेगा बंदा, पहले होते थे मांझे, अच्छी बार तो मांझे है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है, मांझे ही नहीं समझ में आ रहे है कि पांडा पांडा होता था पहले, बढ़िया कांच का मांझा होता था, अब तो कोई मांझा ऐसा लग ही नहीं रहा, इससे पतंग उड़ेगी बढ़िया रॉन्ग से लग ही नहीं रहे। कहाँ गए मांझे अंकल सारे, आप कह रहे हो यहाँ के बरेली वाला टाइम, बरेली वाला टाइम खत्म हो गया भाभी। कहाँ से लाते हैं लोग ऐसे ऐसे मांझे? फिर हम ले आते हैं हमारे बरेली से। अरे बरेली वाले है कहाँ फिर, कहाँ तकत में छुपा रखे हैं वो, निकाल के तो लाओ, खत्म हो गया। गाइस मीट चटखड़ी से हट जाओ, जल्दी हो, टक्कर मार के गिरा दूंगा। कैसे पूछ भी नहीं पा रही टांगे पर, तू चलाने की बात करती है मेघना। पूछा सच्ची देव, विजन कहाँ तक दिख रहा है? पूरा। पक्का? पीछे लगाते हैं ऐसे। चल चल अभी पीछे चल, बाद में दिखाऊंगा। मेरे वीर मार जो साइड हो, बहुत टफ टास्क है पतंगे लेना, मांझे लेना, पर मांझे बढ़िया नहीं आ रहे यार, वो पुराने वाली बात है भाई, बरेली वाला टाइम गया। वो बरेली वाला कभी होता था, नाम चलता था लोग, भाई पता है पतंगबाजी के लिए दूर दूर से मांझे लेके आते थे, कंपटीशन होता था पतंगबाजी का। अरे हम खुद लेके आए हैं भाई, डायरेक्ट उधर उधर से बरेली से लाए हैं। बोंटा इज ट्राइंग टू रेस। देखो बोंटा फुल पावर। एक बात बताओ, इधर कैमरा करो, ये पागल इंसान है क्या? थोड़ा खाली गाड़ी है इसकी, और तब से कह रहा हूँ तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ गाड़ी लेके निकला क्यों नहीं अभी तक, काम वाम भी कर लेता। ये बंदा मेरा मालिक ना होता ना, आज कुछ तू बोल दे अनमोल, जो तेरे अंदर भड़ास है आज कुछ तू निकाल दे, आज कुछ बनता माहौल फिर खप कर दिया। चलो चलो चलो, 3 बज गए, 4 बज गए, ये वो ये वो ये वो। अनमोल ने आंटी नाम रखा है, आंटी। हाँ कहीं जाना हो इतना स्ट्रेस ले लेंगे। हाँ पहले
पांच बजे का कॉल टाइम हो उसमें स्ट्रेस नहीं होता पार्टी वो तो हो जाएगा। हाँ भाई पार्टी, एक तो मेरी मार रखी है भाई, मैं ना हर बार लेट होता हूँ, मैं हर पार्टी में पता नहीं कैसे ना कैसे लेट हो जाता हूँ, मेरी किस्मत ही बेकार है। और मैं फिर सुनता हूँ तू टाइम पे नहीं, अरे पार्टी है यार, पूरी रात नाचोगे, आधा घंटा लेट भी हो गया तो क्या हो गया। और सेम आज जब आप मेरे पास आए थे ना कि भाई चार बजे चलना पता होना नहीं, मैंने कहा हाँ तो उनका घर है भाई, क्या हो गया, वो बंद थोड़ी कर दिया। अबे ना मैं ऐसा बंदा पार्टी में जो कुछ हैपनिंग करता हूँ, तुम तो चलो ठीक है, तुम सब तो खिलाड़ी इंसान। क्या मतलब है आप, मतलब कट है, आप अपने कट है ना, उसको बहकावा किस बात का दे रहे हैं, बहकावा हैपनिंग नहीं करते आप। ये तो नहीं सही है, खाते नहीं है, करते हैं आप खूब है, करते हैं आप खूब है मोहित, खूब खूब। क्या जो आप बोतलें बज रही है ना आपकी गाड़ी में, अरे अनुजी शर्म करो अनुजी, तुम मैंने चोगे घर पे ना मेरी बोतलें ना कुछ, मैं पिटूंगा। पापा कहेंगे बेटा इसलिए नहीं आया तू, इंडिपेंडेंस डे पे तेरी आजादी कहीं और मन रही थी। देखो पिताजी आपको मेरा सच पता है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी पतंगे लाया हूँ, अगर बारिश आ गई ना सब बेकार हो। क्या फिर कल उड़ाएंगे ऑफिस के टाइम पे? कल उड़ाएंगे, कल नूनू उड़ाएगा सारी पतंगे, नूनू के हाथों पैरों में बांध के छोड़ दूंगा, उड़ जाएगा। वेद को बांध दूंगा पतंगों से, वेद चला जाएगा पतंग के साथ। भाई तो पता होगा ना शादी के उससे, भाई प्रेशर, भाई प्रेशर है। चलो बढ़िया हाल है, बढ़िया बढ़िया। भाई शादी कब कर रहा है? एडी मेरे रोके पे तुझे बुलाऊंगा मैं यार, उसको मत बोलना, उसको लगेगा मैं भी बुलाऊंगी और बताऊंगा कि तूने मुझे नहीं बुलाया। एडी मैं भी बुलाऊंगी आपको भाई, इतना कंफ्यूज है, इतना रोको पे ना, रोको पर रोको। अरे रोका पर ना बहन, प्लेट के हिसाब से रखा होता है हिसाब, ठीक है, एक प्लेट ना पड़ जाए इसलिए बुलाया नहीं भाई को। भाई देखो हमेशा यार याद रखा है ना, हाँ रात को एडी क्या मंगवाया हुआ तूने, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं भैया, खटकड़ी है। ओ ये याद है, ये चटखड़ी कोई लाया हुआ है? सोचो हम तो ऐसा करियो, एडी एडी का फोन आया, उसके लिए भी ले लियो, मैं अभी लेने गया था ऐसा। अच्छा बारिश आ चुकी है तब भी, तुम्हारे लिए तो एंड मोमेंट पे लिया मैं एक और। भाई भाई बारिश आ गई क्या करें भाई, क्या करूं मैं, क्या ये पतंग मांजर सब बेकार हो गया। नोनू के पास जाएगा, मेरा पता है मन कैसा कर रहा है, वो बच्चा नहीं देखा बारिश में जाके, यार बारिश में भीगे क्या, भीगे क्या, हर 15 अगस्त पे बारिश वाला क्या? हर 15 अगस्त पे बारिश, ये तो हर बार ही होता है, हर 15 अगस्त में। बचपन में तो दुख होता था, अब तो तब भी नॉर्मल है, बचपन में बारिश आ जाती थी ना छत पे मांजा खराब पूरा ऐसे लिपट जाता था, गंदा हो जाता था, पर ऐसे पतंग उड़ाते हो पहले पोछा मार के साफ करवाना पड़ता था भाई। बीच में बचपन में इतनी होती थी ना, इतना गुस्सा आता था, मैं तो चिढ़ जाता था। ये देखो देखो यहाँ पे अगला इंसान पागल हो चुका है पतंग उड़ाने के पीछे, कह रहा बारिश में भी उड़ाऊंगा लेकिन उड़ाऊंगा जरूर। देखो और किसी और की पतंग है ये भाई, मेरे को पतंग उड़ाने से मतलब है किसी की भी हो, अव्वल नंबर का पतंग बाज था मैं, बहुत उड़ाई पतंगे मैंने। भाई ये ना पता एकदम से बारिश में ना एकदम से फट जाएगी पतंग, तेज बारिश होती है। हाँ कन्ने भी टूट सकते हैं। मैंने हाथ अड़ा पहले, तो तेरा हाथ कट जाएगा, छोड़ पहले छोड़ चुका भाई, फटी पतंग अब फटी, बहुत तेज हुई अब तो भाई फट गई पतंग, अब तो आजाद कर दू पतंग, नहीं आजाद नहीं करता, एकदम से पट्ट आ जाएगी देखना, बारिश ने गलत काम कर दिया, मैं तो उड़ा लूंगा कल नोनू के साथ पतंग। ये रही ना पतंग, फट गई, फट गई, हाँ कन्ना टूट गया इसका, उड़ा दी, मैं भी उड़ाऊंगी। एक सोसाइटी का बच्चा होता है अमीर घर का, जिसे पतंग पतंग उड़ानी नहीं आती, चरखड़ी पकड़ के खड़ा हो जाता है। बस स्नैप बनाते हैं, जो स्नैप बनाते हैं, जो स्नैप बनाते हैं, नहीं बचपन में स्नैप नहीं थी ना, तब पकोड़े खाता था, बस कैची पीता था, अभी हो गया वो बच्चा, मैं हूं, वो बच्चा मैं हूं। अब ये वो लौंडा है जो डियाब्लो व्याब्लो जाते हैं वहां जाके स्टोरी डालते हैं, और फुल मांजा लेके आइए तू अपने साथ। ये देख एक लड़की होती है जो मांजा उड़ जाती है, वो ये लड़की है। चलो 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 आंधी तूफान आ जाए मेरे लड़के नहीं रुकेंगे, एंजॉय करो। तुम सदी ले, सदी से उड़ा दी, अरे मांजा क्यों खराब करना है भाई, साले करने की से बांधेंगे। तो एक और रील है ना, दो रील है तभी लाया, सही है। ये देखो आंधी तूफानों में भी मेरे बच्चों के हौसले खत्म नहीं होते। अनु मांजा बांध इस पे, ओए गई गई डूबगी, ठाठ ठाठ आ गई थी, खींच 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 और लपेट ले, लपेट ले पूरी, लपेट ले, रुक जा, खींच खींच खींच, हां लपेट ना मांजा बांधने के, जल्दी जल्दी जल्दी, तेज 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 बच गई एडी भाई, डुबवा दी पतंग, अरे देख ले क्या हुआ। हाँ भाई अन्नू कन्ने बांध दे जल्दी से, कन्ने एक्सपर्ट है हमारा, जल्दी जल्दी भाई मान, सबसे ऊपर यार एक पतंग उड़ाई बोंटे को दे दी, उस बोंटे को पतंग उड़ानी नहीं आती, और उसको एक पतंग दिया उड़ा के, ओ भाई दे दे, ओए ओए दे दे भाई, बचपन से पतंग नहीं उड़ाई मैंने, कभी उड़ाने को नहीं मिली मुझे, नहीं होता अभी हम देखते हैं कि भाई आकृति मेघना ने बांधी पहले, तो अभी नाच रहा है रात तक देखना इसकी छत का क्या हाल करेंगे हम, अभी सारा नाचना निकलेगा, मैं कह रहा हूँ रात तक गाली दे रहा होगा, निकल जाओ सालो, अनु खींच के लग, खींच के काट काट काट, बिठा बिठा अर्शु का बिठा, खींच खींच खींच, ये देखो हमारी दोनों पतंगे, पीछे वाली भी अपनी आगे वाली भी अपनी, आई बो
क्वार्टर का पीछे बाज किस पे बिठा गया नहीं है। ये देखो कांगी, ये वाली है ना आगे, ये रही। हाँ अर्जू बीच में मत बिठा भाई, दूर जा रहा हूँ। अर्जू अर्जू इधर से उड़ा लो, उधर पेचे लगा रहे हैं हम, कट जाएगी नीचे ही। नीचे लेके जाऊंगा ना एकदम से, पर उसकी ना रेंज अच्छी है हमसे। अरे नहीं है भाई, पता क्या हम डील है उसमें काट सकते हैं ना, भारी होगी हमारी पतंग। कर लो पहले, इतने सुन करने बांधे हो, नीचे ही नहीं जा रही। हाँ ये बीटी होगी थोड़ी सी, आ जाएगी आ जाएगी नीचे आ जाएगी। अच्छा मेरे को कैच करनी है क्या? हुआ भिड़ा, भिड़ जाएगी बस वो ढील भाई, वो भी पूरी उसमें है ताक में। जिन्हें पतंग उड़ानी नहीं आती थी ना, आज उनको भी उड़ानी आ गई। ऐसी मस्त पतंग उड़ा के दिया ना, उड़ा उड़ा गई मैं। नोनू जब तू व्लॉग देख रहा होगा तो बुरा मत मानियो, तेरे से अगले दिन उड़ाऊंगा पतंग। ठीक है, उड़ा रहा होगा घर पे कि मामा मेरे साथ क्यों नहीं उड़ा रहे पतंग। बेटा कल तेरे साथ उड़ाऊंगा मैं पक्का, वहाँ पे आऊंगा घर पे। अबे पतंग गलत चली गई बहुत, अब तो गई, अब तो कटेगी। फंस गई फंस गई फंस गई। अरे वो पीछे वाली है, पीछे वाली दूर हो गई भाई काफी। हाँ अरे अभी डर लग रहा है, बीच में आ गया था। भाई स्ट्रगल रियल है, बंदे पतंग उड़ाना नहीं छोड़ रहे। ओ सॉरी आप तो हर सुनो, स्ट्रगल तो उनकी थी, एक पतंग नहीं उड़ी उनसे आज। कैमरे में शूट भी नहीं करने दिया, पतंग नहीं उड़ रही शूट भी नहीं करने दे रहा। हर्ष प्लीज डोंट इवन ट्राई ब्रो, दे 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 ऐसे कोई भाई मैंने उड़ाई, मेरे को कह रहे थे इंसेंटिव है, कह रहा इंसेंटिव है उड़ा के दे दे। बोनस है, मैंने कहा ठीक है यार। तूने पतंग काटी थी ना तो बगैर कटी भी थी तेरी, वही पूरी हुई है। चल हुई है पतंग काट में तेरी सेल्फी। भाई भाई मैंने पतंग पतंग नहीं काटी, मेरा रोल नहीं करना चाहिए भाई। अनमोल ने काटी थी हर्ष की, अनमोल ने काटी थी हर्ष की, मैंने देखा था। चल 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 भाई, हर्ष की कट गई, हर्ष की कट गई। हर्ष क्या हुआ, हर्ष क्या हो गया, हर्ष क्या हो गया, हर्ष क्या हो गया, क्या हुआ भाई, कटवाली मेरी नहीं है कला, कटवाली क्या कह रहा, मन नहीं है कह रहा, मन नहीं था, मन नहीं मेरी कला नहीं, मैं क्या करूं, वीडियो वगैरह बना लूंगा मैं। अरे यार हट, रिकॉर्ड कर। अरे नहीं वाली हूं मैं भाई, ये पागल है, रात को पानी दे रहे पेड़ों को भाई, घास बढ़ेंगी ना फिर। गाइस यार मेरी एक चड़खड़ी हो गई यार, इन सबको लग रहा है मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, पर मैं इनकी हेल्प नहीं कर रहा, मेरी चड़खड़ी हो गई, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। मैं लाया था इतने मन से तीन, एक गायब है, बचपन में भी ऐसे गायब हो जाती, दिमाग खराब हो जाता था मेरा, ढूंढता रहता था कहाँ गई कहाँ गई। यार राहुल एक चड़खा गायब हो गया भाई, मुझे इस मेले में ले चलो कोई आज, नहीं मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को इस मेले में ले चलो। प्लान बनाए मेरा, ये झूला झूलने मन कर रहा है, ट्यूबलाइट वाला जाइंट व्हील है, कोलंबस भी वाला, वो 360 घूम रहा है, फक यहाँ तो आऊंगा देख, हैमर वाला 360 घूम रहा है, ऐसे वाले ही होते जो। अरे भाई चलो चलो, पेज खुल जाते हैं, पेज खुल पहले ही कर दिया पेज खुल, यही ऐसे वालों की होती है वायरल, उल्टी हो रही होती, उल्टी झेल रहा होता है। अरे यार मूड खराब कर दिया, कहाँ मेले में जाने की, पेज तक ठीक था, उल्टी ऊपर वाले की नीचे वाले के, वो राजमा खा गए तो नीचे वाले को क्यों पता चल रहा है। 22 मेले में आएंगे, एक दो दिन के अंदर, 22 मेले के अंदर आएंगे, दो दिन के अंदर अंदर डन। हाँ पक्का हो गई भाई, डील डन है। इंडिपेंडेंस डे और बैट्स है। बैट्स का थप्पड़ कैसे मार गया तू? बैट्स, अरे वो मुक्का मारता तेज लग जाता। अच्छा भाई तू तो रेडी हो क्या यार? बिल्कुल रेडी क्या, मैं ऐसे ही था यार, मेरे को जाना था कहीं और मैं जिम भी ऐसे गया हुआ था, तभी तो मैं वहां से तैयार हो गया था। तो जिम खुला गया आज? खुला है। चलो भाई चलो, रोहिणी वाले गाइज हमारे एल्विस स्पेशली मूवी देखने, और इसका प्रमोशन करा गया हर्षु के द्वारा, हर्षु जी ने बोला है, और उसमें वैसे टॉम हैंक है, टॉम हैंक मुझे बहुत अच्छा एक्टर लगता है, मैंने उसकी 3-4 मूवी लगातार देख ली तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो हम देखें एल्विस स्पेशली, और हम विलेन विलेन को ले आए एल्विस स्पेशली दिखाने की, देख एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को देख आज बैठ के। हाँ ये देखो गाइज, क्वालिटी वॉल्स की नया आया है कसाटा, कसाटा स्पेशल लड़कियों के लिए आया है कसाटा। मैं भी यही बोलने वाली थी, यहीं से निकल जाऊंगा। बाय बाय बैट्स बॉल बैट्स, बाय बाय, मिलते हैं कल जिम आएगा। कैसी लगी मूवी? एक नंबर। कैसी लगी मूवी? गुड मूवी। आकृति को तो लड़का बढ़िया लगा, और सब ऐसी तैसी कर रहा है, सब जाए, नया क्रश मिल गया इसे, वहां पे कह रही है बोरी लाइन जाए, ऐसी तैसी कर, बीच में आवाज आ रही है मेघना मुझे नया क्रश मिल गया। सॉरी एल्विस प्रेसली, हमने आपकी मूवी देखी बट मुझे वो लड़का पसंद आ गया, बस बात खत्म। स्ट्रेंजर थिंग याद आ गई, किसने बोला था पहले? अब यहाँ पे लाल बादल हो जाएंगे एकदम से। मैक्स है तू? मैक्स वो इसको पकड़ो, उड़ जाएगी। गाइस बाय, जाओ अब जल्दी जाओ, बाय आकृति। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू तो रुक जा। अरे रुक जा, पिटदान उतरे ना, ये इसका जी नहीं लगता मेरे बिना। हाँ जी
कहाँ है? ड्रॉप कर दिया इन्हें, मेघनागरी दी आ रहा हूँ। कोई नहीं कार्ट, मैं भी वहीं से आया था। रोहिणी कैब डिलीवरी वाला था, तो कैब वाला था। और कौन सी करी थी? वो वाली करी थी क्या जो सब ऐड कर लेते हैं उसमें कहीं कहीं के स्टॉप वाला? विपुल की गाड़ी का विपुल तो गया। अच्छा गया, तो पहले वहाँ पे विपुल के घर पे। हाँ विपुल के घर के, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाई, फिर इन चारों को बिठाया। लोग भी तो जाते हैं ना फिर उधर से उधर उधर से उधर। लास्ट में कैसे ऐसे ऐसे वाला पता नहीं क्या डांस कर देता है। हाँ। फुल कराटेबाजी कर देता है वो। एल्विस प्रेस्ली भाई बहुत अच्छी मूवी थी, आर्टिस्ट के ऊपर थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। एंड सबको एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस बात पे मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, उस पर बहुत बड़ी बहस भी हुई थी। बहस की हुई थी, लोग कमेंट कर रहे थे यहाँ से मैं कर रहा था कि 75th है या 76th है, तो ये मैंने मेंशन भी करा था। पता है 50 तो है, 75th है। हाँ सब जगह तो वही चल रहा है मुद्दा, एनिवर्सरी है 75th एंड 76th इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट हुआ था काउंट वाइज जो हुआ था 15th अगस्त 1947 से काउंट स्टार्ट हुआ था। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली पता है क्या हो रहा था, तब मैंने डाला ना 76 तो लोगों ने बोला 75th है, बट भाई वो 75th मैंने 76th इंडिपेंडेंस डे डाला था, एनिवर्सरी नहीं डाली थी। तो बहुत कंफ्यूजन थी लोगों को, मैंने इंस्टाग्राम पे क्लियर करने की कोशिश भी करी बट लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। और ये पता है क्यों किया है? इशू क्रिएट सबने लिखा था 75th एनिवर्सरी, हर जगह ये चल रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से ना सबको वो लगा 75th इंडिपेंडेंस डे, ऐसा नहीं था। अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे और वैसे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा स्कीम। पर आधे न्यूज चैनल ने भी ऐसा शो किया था ना 75th बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, एनिवर्सरी छोटा लिखा हुआ था, सबको 75th दिख रहा था, तो ऐसा सीन था ओवरऑल। एंड अभी हम पीएस पे गेम खेलेंगे थोड़ी, मैं अपने अनुवीर के साथ, हर्षु को एक बढ़िया सी गेम हराऊंगा जो है रॉकेट लीग। रॉकेट लीग हमारे ग्रुप की सबसे टॉक्सिक गेम है भाई। इसके अंदर एक इंसान जो आप करके बात करता है ना, वो भी ऐसा खुल के गाली देने लगता है ना, वो पता है ऐसी गेम है हमारे इधर कि मतलब उसमें हार जीत मैटर नहीं करती है, उधर मैटर करता है आपकी बजे, बस आपकी एक जो टॉप जो बॉटम वाला बंदा है ना उसकी ले ली जाएगी। रॉकेट लीग भी थोड़ी सी कवर होनी चाहिए। रॉकेट लीग आने दिया तो दिखा दे आपको अपना टॉक्सिक पाला। ये चलो गेट रेडी, ठीक है। तो क्या मैच होगा? रॉकेट लीग है, देख लो। मैंने बताया था, डिस्क्राइब किया था सबसे टॉक्सिक गेम है। अभी देखना, ये भाई जी कह रहे हैं गाली चढ़ा दो। अबे प्लेयर कौन कौन होगा ये तो बता पहले। अनूर में, ठीक है, फिर बाद में तूर में, फिर बाद में मैं और अन्नू, फिर बाद में मैं और पीछे हो गए, ठीक है। गाली कौन सी है भाई? खप होगी होगी, मैं कह रहा हूँ गाली चढ़ी है जी वाली, जी ए एन। टीम ये होगी कि एक बार तू पीसी, मैं पीसी, ये पीसी, हाँ ठीक है। उसके बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ तो पीसी आता है ना, चल थर्ड और फोर्थ दोनों है। हाँ थर्ड और फोर्थ दोनों है, ठीक है। हाँ पहला वाला थर्ड वाला, और जो फोर्थ है वो डबल बीप कर देंगे। ये तीन मैच में होगा डिसाइड? नहीं पहले मैच में हो जाएगा, हर मैच में होगा। अच्छा हर मैच, तीन मैच होंगे, तीन मैच में जो सबसे मैक्स बना वो सबसे महा गंडा गंडा सरदार। सोच बैंक तीन बार तू बन जाए या मैं बन जाऊं। अनमोल को हम ले ही नहीं रहे, इतना खौफ उसका। अनमोल को लेंगे आज, मैं थोड़ा सा रह जाता हूं आज, मेरे भी बहुत मुश्किल से चांस बन जाता है। ये टाइम ऐसा रहेगा, मैं 3-2 से जीत गया हूं, मेरा स्कोर टॉप पे 727 और जी 2 इसमें एक गया है महा कमेंट इसके नहीं करे ना, सिर्फ 12,000 का टारगेट दे रहा हूँ, ना 10 का, ना 5 का, ना 15 का, 12,000 कमेंट दिए मुझे। स्ट्रगल देखो बंदे की, हवा के अगेंस्ट उड़ा रहा है बंदा। पूरी स्टोरी बना, पूरी। ए पूरी अभी नीचे जाएगी, रुक बना रहा हूँ। हाँ बना रहा हूँ, हाँ डालूंगा। नहीं नहीं नहीं, उड़ा उड़ा उड़ा, चाहे 6 स्टोरी बने उड़ाऊ। हाँ पूरी बना रहा हूँ, हाँ पूरी बनाई, हाँ पूरी बनाई है पूरी।